की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो पीसी बिल्ड देखने वाले हैं ना, काफी ज्यादा यार स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये पीसी बिल्ड है एक यूट्यूबर का। तो एक यूट्यूबर ने बनाया है दूसरे यूट्यूबर के लिए पीसी। सो इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अच्छा, बजट में आप लोग बताया तो इस पीसी का, तो ये पीसी बना है अंडर ₹1.9 लाख। तो 1,90,000 रुपए के अंदर ये पीसी बनाया गया है। एंड अगर मैं आप लोगों को एक्जैक्टली बताऊं तो 1,85,000 रुपीज का पीसी है, 1,85,000 रुपए का ये कमाल का यार पीसी बिल्ड हम लोगों ने यहां पर बनाया है। बात करेंगे सभी कंपोनेंट्स के बारे में कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने जो है इस 1.85 लाख रुपीज के पीसी के अंदर लगाया है, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, बात करेंगे कि कौन सा चैनल है, क्या है, ठीक है, हर एक चीज के बारे में बढ़िया तरीके से बात करेंगे। तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहना। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताया था कि जो हमारे यूट्यूबर भाई हैं उनका नाम क्या है एंड कहाँ के रहने वाले हैं। तो हमारे जो भाई हैं उनका नाम है स्वप्निल कुमार वर्मा, एंड इनका जो पीसी है ये जाने वाला है महाराजगंज उत्तर प्रदेश। तो हम भी खुद यार उत्तर प्रदेश के हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के हैं, एंड हम दोनों यूट्यूबर भी हैं, तो काफ़ी मतलब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैच हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड हमारे भाई ने जो है मेरे से मतलब मेरी पर्सनली बात हुई थी उनसे, एंड उन्होंने कहा था कि भाई हमारा ऐसे ऐसे करके चैनल है यूट्यूब पर, एंड मैंने देखा था उनका यार चैनल काफ़ी बढ़िया था, थोड़ा सा न्यूज़ रिलेटेड कंटेंट था उनके चैनल के ऊपर, एंड बहुत सारे सब्सक्राइबर्स थे यार, मिलियंस में सब्सक्राइबर थे उनके, एंड उनके 1 या फिर 2 मिलियन के आसपास में कुछ सब्सक्राइबर्स थे। ठीक है, उनके जो चैनल की इमेज है वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, आप लोग जाकर के उनके चैनल को चेकआउट कर सकते हो, एंड थोड़ा सा प्यार जो है हमारी तरफ से उनके चैनल प्यार जाकर के जरूर से दे देना। साथ ही साथ गाइस बात करें, अच्छा मेरी ना पर्सनली बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने मेरे से कहा था कि सार्थक भाई हम आपकी जो वीडियोस है यार वो काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, एंड हमको पता है कि आप जो पीसी बनाते हो और वो काफ़ी बढ़िया बनाते हो, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हमारा पीसी आप बनवाइए। ठीक है, उन्होंने मेरे से कहा कि सार्थक भाई मैं आपको जो है सिर्फ एक बजट दे रहा हूँ, ठीक है, जो बेस्ट पॉसिबल पीसी इसके अंदर बन सकता है वो मुझे यहाँ पर सजेस्ट कर दो। उनको करनी थी इसके ऊपर एडिटिंग करनी थी, गेमिंग करनी थी, सब कुछ करना था। उन्होंने कहा एक ऑलराउंडर पीसी बता दो मेरे को, ठीक है, और उन्होंने कहा कि पैसों की चिंता मत करना, 10-20 हज़ार ऊपर नीचे भी हम लोग जो है यहाँ पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने मेरे से कहा था कि यहाँ पर जो मेरा बजट है लगभग वो 1.8 लाख रुपीज, 1,80,000 रुपये के आसपास में उन्होंने अपना बजट मेरे को यहाँ पर बताया था। तो बन गई शायद, पहले हमने उनको एक कोटेशन दी थी तो 1,75,000 की थी वो, फिर थोड़ा सा जो है मैंने यहाँ पर कंपोनेंट्स को चेंज वेंज करवाया था। तो उन्होंने कहा था कि सार्थक भाई जो बेस्ट पीसी है वो आप लोग यहाँ पर बता दो मेरे को, ठीक है, तो क्या बेस्ट पीसी बना है यहाँ पर। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग जो है आज यहाँ पर बात करने वाले हैं कि क्या क्या कॉम्पोनेंट्स उनके जो है पीसी बिल्ड के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर लगाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं हमारे प्रोसेसर से। तो प्रोसेसर हम लोगों ने इस पीसी बिल्ड के अंदर यूज़ करा है AMD का Ryzen 7 5800X प्रोसेसर, एक काफी बढ़िया प्रोसेसर है एंड एक ऑलराउंडर प्रोसेसर है। 8 कोर एंड 16 थ्रेड्स के साथ में यहां पर आ जाता है Ryzen की 5000 सीरीज के अंदर, चाहे आपको गेमिंग करनी हो, स्ट्रीमिंग करनी हो, एडिटिंग करनी हो, काफी बढ़िया तरीके से ये आपको जो यहां पर करा देता है। एंड जब लॉन्च हुआ था तब थोड़ा सा महंगा था, अभी फिलहाल जो इसकी प्राइस है वो थोड़ी सी ड्रॉप हो चुकी है, लगभग 35,000 रुपए के आसपास में ये प्रोसेसर आपको जो है देखने को मिल जाएगा, एंड काफी बढ़िया है इस पूरे पीसी बिल्ड के हिसाब से। एंड 1,80,000-1,90,000 रुपए के आसपास उनका बजट था, तो उसके हिसाब से काफी बढ़िया प्रोसेसर है। बात करेंगे इस यहाँ पर हमारे लिक्विड कूलर के बारे में। अब देखो भाई थोड़ा सा गर्म चलता है ये सीपीयू, तो हम आपको इसके साथ में एक बढ़िया सा लिक्विड कूलर लगाना होता है, ठीक है, इसको ठंडा करने के लिए या तो एक काफी बढ़िया सा एयर कूलर लगाओ या फिर एक काफी बढ़िया सा लिक्विड कूलर का यूज करो। तो हम लोगों ने इस पीसी बिल्ड के अंदर यूज करा है डीपकूल की तरफ से उनका गैमेक्स L360 ARGB लिक्विड कूलर, जो कि 360mm का लिक्विड कूलर है, एंड इस लिक्विड कूलर को हम लोगों ने माउंट करा है इस कैबिनेट के फ्रंट में, ठीक है, फ्रंट माउंट करा है हम लोगों ने इसको, एंड इसको हम लोगों ने लगाया यहां पर पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है, जो इसके फैंस है उनको जो है पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन में लगाया। सामने इस कैबिनेट के अंदर हमको जो है 200mm के दो बड़े बड़े फैंस मिल जाते हैं, देन उसके बीच में रेडिएटर है, देन यहाँ पर बाद में उसके फैंस आ जाते हैं, एंड पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो फैंस है उसको हम लोगों ने यहाँ पर लगा रखा है। एंड टेम्परेचर्स भी इसके हम लोगों ने यहाँ पर देखे थे जो कि काफ़ी बढ़िया थे, एंड बहुत अच्छी तरीके से ये जो लिक्विड कूलर है वो इनके सीपीयू को यहाँ पर ठंडा रख रहा था। बाकी गाइज अगर हम लोग अब बात करें यहाँ पर हमारे मदरबोर्ड के बारे में, तो उन्होंने कहा कि सार्थक भाई मेरे को यार ये मदरबोर्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है, उन्होंने मतलब अपनी तरफ से सजेस्ट करा था, जो कि काफ़ी यार बढ़िया भी है, मतलब हमारे भाई की जो पसंद थी वो भी यार काफ़ी बढ़िया निकली यहाँ पर, जो कि असूस का टफ गेमिंग X570+ वाईफाई मदरबोर्ड। अब ये मदरबोर्ड जो उन्होंने सामने सजेस्ट करा था जो कि काफ़ी बढ़िया भी है, एक काफ़ी बेहतरीन VRM सेक्शन के साथ में आ जाता है, एंड असूस की ऑरा सिंक आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, एंड ओवरऑल जो ये मदरबोर्ड है काफ़ी रफ एंड टफ एंड एकदम बढ़िया मदरबोर्ड है, राइजन 7 5800X के हिसाब से एक काफ़ी बढ़िया चॉइस हो जाती है यहाँ पर, एंड इस बजट के हिसाब से भी 170 मदरबोर्ड जो है वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। बात करेंगे यहाँ पर हमारे किस चीज़ के बारे में, अब हम लोग यहाँ पर हमारी जो रैम के बारे में बात कर लेते हैं।
लेते हैं। अब रैम देखो, अच्छा खासा बजट है, 1,90,000 रुपए के आसपास में यहाँ पर स्पेंड हो रहे हैं, तो रैम भी जो है यहाँ पर हमारी काफी बढ़िया सी लगनी चाहिए। तो हम लोगों ने जो इसके अंदर टोटल 32 GB रैम का यूज करा है, 16 GB की दो स्टिक्स का यूज करा है, जो कि आ जाती है कॉर्सेर की तरफ से, उनकी कॉर्सेर वेंजेंस 16 GB की दो स्टिक्स, जो कि 3200 MHz के ऊपर यहाँ पर क्लॉक्ड है। तो टोटल जो है 32 GB रैम का इसके अंदर यूज करा गया, चाहे गेमिंग करनी हो, स्ट्रीमिंग करनी हो, एडिटिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, हर एक वर्कलोड के हिसाब से जो 32 GB रैम है वो एकदम मतलब स्वीट स्पॉट रहता है, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा ना काफ़ी कम, ठीक है, एकदम बढ़िया रहती है। 32 GB की रैम गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग, कुछ भी करना हो, एकदम बढ़िया तरीके से जो है वो अपने पीसी के ऊपर यहाँ पर कर पाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर हमारे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, बात कर लेते हैं, जो कि आजकल मतलब जिसके अंदर लोग सबसे ज़्यादा आजकल जो इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि काफ़ी महंगे चल रहे हैं, है ना, तो लोग जानना चाहते हैं कि इस बजट में कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लगा, उस बजट में कौन सा लगा। अब देखो भाई, थोड़े हाई एंड पीसी बन रहा है, ठीक है, सभी कंपोनेंट्स को यहाँ पर हाई एंड रखा गया है, तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर यूज़ करने वाले MSI की तरफ से उनका RTX 3060 Ti। मैंने पास्ट में पीसी बिल्ड की जो वीडियोज़ है वो अपने चैनल के ऊपर डाली थी, ठीक है, उसमें से एक वीडियो थी जिसके अंदर मैंने 2,00,000 रुपये के अंदर MSI का वेंटस 3X RTX 3080 भी दिया था एक बंदे को, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये हो जाती है कि ओवरऑल जो पीसी है वो किस लेवल का बन रहा है एंड किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से जो यहाँ पर हमारे कंपोनेंट्स है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इस पीसी के अंदर हम लोगों ने जो यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करा है वो करा है MSI की तरफ से उनका वेंटस 3X RTX 3060 Ti, ठीक है। तो मतलब 3060 Ti इस बजट के अंदर आ रहा है, बाकी आने को तो यार आप लोग RTX 3080 भी लगा सकते हो यहाँ पर, जिसके मैंने एक अपने दूसरे कस्टमर के बिल्ड के अंदर लगाया था, देन उनका जो है CPU थोड़ा कम हो गया था, देन उनका जो मदरबोर्ड है वो थोड़ा सा सस्ता हो गया था, एंड तो सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, जैसे SSD थी वो थोड़ी सी यहाँ पर कम हो गई थी, एंड जो हमारी यहाँ पर रैम ले लो वो भी 16 GB थी। तो 3080 भी लगा सकते हो आप इस बजट के अंदर, बाकी डिपेंड करता है ना कि आप दूसरे कंपोनेंट्स जो है वो यहाँ पर क्या चूज़ कर रहे हो, एंड हर सबकी जो है अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से जो है यहाँ पर हर एक कंपोनेंट को चूज़ करा जाता है। तो RTX 3060 Ti ट्रिपल फैन, और हाँ मतलब वेंटस 3X है ना, तो ये ट्रिपल फैन ग्राफिक्स कार्ड है, ठीक है, तीन तीन फैंस के साथ में आ जाता है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार इनके पीसी के अंदर लगने के बाद भी, जो लुक्स आ रहे हैं वो भी यार काफ़ी बढ़िया हो जाते हैं। एंड MSI तो यार आपको पता ही है यार, क्वालिटी अपने ग्राफिक्स कार्ड्स की जो है काफ़ी बढ़िया देता है। यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर हमारी स्टोरेज के बारे में, हम लोग जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक NVMe SSD एंड साथ ही साथ एक हार्ड ड्राइव का भी यूज़ करा गया है। तो हम लोगों ने जो यहाँ पर NVMe SSD यूज़ करी है वो करी है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग की 980 1TB M.2 NVMe SSD। तो हमारे भाई ने कहा कि मेरे को जो है काफ़ी फास्ट स्पीड्स चाहिए अपनी SSD से, तो वो खुद चाहते थे कि वो जो है यहाँ पर सैमसंग की SSD का यूज़ करे। तो हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करी है सैमसंग की 980 M.2 NVMe SSD, ठीक है, जो कि काफ़ी बढ़िया है, एंड क्वालिटी वाइज भी जो है काफ़ी बढ़िया है, एंड मतलब सही है यार, मतलब सैमसंग की SSD तो यार आप जानते ही हो, जो स्पीड्स हमको यहाँ पर ऑफर करती है वो काफ़ी बढ़िया हो जाती हैं। बाकी इसके अलावा यार एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए यहाँ पर एक 1 TB की हार्ड ड्राइव का भी यूज़ करा, जो कि आती है WD की तरफ से, उनकी 7200 RPM वाली WD ब्लू, ठीक है, 1 TB की हार्ड ड्राइव का हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करा है। एंड अब इस पूरे पीसी बिल्ड को पावर अप करने के लिए, हमारे स्वप्निल भाई का जो ये पीसी है इसको पावर अप करने के लिए यहाँ पर जो है एक 750 वॉट की जो पावर सप्लाई है वो मोर देन इनफ यहाँ पर रहेगी इस पीसी बिल्ड के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ करी है डीप कूल की PM750D, जो कि 80+ गोल्ड सर्टिफिकेशन के साथ में यहाँ पर आ जाती है, एंड एक काफ़ी बढ़िया पावर सप्लाई है, एंड इस पूरे पीसी बिल्ड के हिसाब से जो है मोर देन इनफ यहाँ पर रहेगी। बाकी 650 वॉट की पावर सप्लाई भी लगाते तो भी इनफ रहती, बट हमारे भाई कह रहे थे कि 750 वॉट की लगा दो, बाद में अगर ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड करना अगर कभी हुआ या फिर कुछ भी कंपोनेंट अपग्रेड कर रहा हुआ तो पावर सप्लाई तो अपग्रेड करनी यहाँ पर जो है उनको नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड बात करें यहाँ पर हमारी कैबिनेट के बारे में, तो देख सकते हो यार मतलब बहुत सारे लोगों ने तो ऑलरेडी पहचान लिया हुआ इस कैबिनेट को, ये कौन सी है, ये है भाई लियानली की लैनकूल 215 कैबिनेट। अभी इसके अंदर जो मैंने यहाँ पर RGB वगैरह लगा रखी है वो लगा रखी है व्हाइट कलर के अंदर, अभी सेट है ये, ठीक है, मदरबोर्ड से सिंक हो रखी है एंड व्हाइट कलर के अंदर जो अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर लगा रखी है। मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब कि यार बहुत ही प्यारी कैबिनेट है यार, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम, क्वालिटी इस कैबिनेट की बहुत बढ़िया, एक नंबर इसकी क्वालिटी है, साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको लुक्स ही ऑफर करती है ना कैबिनेट, वो भी यार एक नंबर हो जाते हैं। सामने की तरफ आपको दो बड़े बड़े 200 mm के फैंस मिल जाते हैं, एंड जो एयर फ्लो यहाँ पर मेंटेन करते हैं यार वो काफ़ी कमाल का हो जाता है। हालांकि जो रियर फैन इसके अंदर आपको मिलता है ना वो एक नॉन RGB फैन है, बाकी आप इसको रिप्लेस करके अगर आप इन फ्यूचर अगर मतलब चाहते हो या फिर उसी टाइम चाहते हो तो आप इसके अंदर जो एक अलग से अपना ARGB फैन भी ऐड यहाँ पर पीछे की तरफ कर सकते हो। बाकी फैन तो मिल रहा है बट नॉन RGB है,
ठीक है, एंड ओवरऑल जो कैबिनेट की क्वालिटी यार वो काफी बढ़िया यहाँ पर हो जाती है। तो यही पीसी था यार हमारे स्वप्निल भाई का, मस्त मस्त जो है वो अपनी अब यूट्यूब की जो वीडियोज है वो उसको जो है यहाँ पर अपने पीसी के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, एडिट करेंगे एंड अपने चैनल के ऊपर डालेंगे। तो यार मतलब काफी अच्छा लग रहा है कि इतना बड़े चैनल वाले ने हमसे जो है अपना पीसी यहाँ पर ऑर्डर करा है एंड इसी पीसी के ऊपर जो है मतलब उनका जो वीडियोस है वो एडिट होकर के उनके चैनल के ऊपर डाला करेगी, तो काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है बाकी गाइज यही था यार हमारे स्वप्निल भाई का पीसी। एंड आपको भी अगर अपने लिए कोई ऐसी कमाल का पीसी बिल्ड करवाना हो, कोई भी आपका बजट हो सकता है, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, जितना पैसा खर्च करना चाहते हो आप अपना जो है बजट हमको बता सकते हो एंड आपके बजट के हिसाब से जो भी बेस्ट पीसी होगा वो हम आपको सजेस्ट कर देंगे, या फिर आपकी अपनी खुद की कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी आप हम लोगों को बता सकते हो। एंड कॉन्टैक्ट कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारा नंबर आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा जो कि 7303986007। इस नंबर के ऊपर आप लोग हमको यार कॉल कर सकते हो, कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो एंड अपनी रिक्वायरमेंट, अपना बजट बता दो, जो भी बेस्ट पीसी होगा वो हम आपको यहाँ पर सजेस्ट कर देंगे। एंड हमारे सभी पीसीज जो है उनके साथ में आपको फ्री शिपिंग देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड्स की जो प्राइसेस होती है, स्पेशली ग्राफिक्स कार्ड्स की प्राइसेस, वो कंपैरेटिवली मार्केट में भी क्या प्राइसेस चल रही है उससे जो है काफी सस्ते मिल जाते हैं आपको ग्राफिक्स कार्ड्स। ठीक है मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैंने देखा है मार्केट में क्या रेट चलते हैं एंड मेरे क्या प्राइसेस होते हैं ग्राफिक्स कार्ड्स के, मेरे यार काफी बढ़िया रहते हैं। ठीक है साथ ही साथ मैं फ्री शिपिंग के लिए भी अलग से कोई चार्ज नहीं करता, जो भी आपकी पीसी की कॉस्ट होती है उसी के अंदर आपकी शिपिंग भी हो जाती है। ठीक है तो शिपिंग के लिए आपको भी अलग से पैसा स्पेंड नहीं करना पड़ता, तो ये कुछ फायदे यार हमसे पीसी लेने के, तो यार डेफिनेटली चेकआउट कर रहा है। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट भी है जहां से आप ना कस्टम पीसी भी बना सकते हो अपने लिए खुद का। जी हां गाइस वेबसाइट पे आपको कस्टम पीसी का ऑप्शन मिल जाएगा, एएमडी या फिर इंटेल कोई भी पीसी बनाना हो अपने हिसाब से कस्टम कॉन्फ़िगरेटर आपको मिल जाएगा, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, ग्राफिक्स कार्ड, कोई भी कंपोनेंट आप अपने हिसाब से यहां पर लगा सकते हो एंड यहां से जो है डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है गाइस एंड सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। तो यही था यार पीसी हमारे स्वप्निल भाई का, बाकी कुछ भी बताना चाहते हो तो यार कमेंट सेक्शन आप ही लोगों का है एंड कैसा लग रहा है ये पीसी मुझे यार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। बाकी गाइस मिलेंगे एक और नए वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के पीसी बिल्ड के साथ में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।